हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णेंदु और आप देख रहे हैं सूर्य तपन सोलर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर्स, आप लोगों को बहुत दिल से सॉरी क्योंकि मैं बहुत दिनों से कुछ वीडियोस नहीं लाया, करीब 2 महीने से भी ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत सारा प्रोजेक्ट्स में बिजी था। आप ही लोगों के लिए बहुत कुछ रेडी कर रहा था और मैं कुछ पर्सनल मैटर में भी बिजी था। मैं बहुत कुछ सिस्टम रेडी किया हूँ आपको, बहुत सारे इन्वर्टर्स के रिगार्डिंग रिव्यू दिखाने के लिए, और बहुत सारा चीज़ मैं किया हूँ जैसे कि आपको लगातार और भी ज़्यादा वीडियोस दे पाऊँ। तो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ कि क्या क्या हमने किया है। जो लोग मेरा पहले का वीडियोस देखे हैं, यहाँ पे जो सोलर का जो ये एरे है, ये एरे का ऊपर और एक एरे था, तो उसको हटा के हमने उसको क्या किया, फ्रंट में लगाया। तो पीछे का जो एरे था वो उतना स्ट्रांग नहीं था, तो कभी भी तूफान वन आके उसको उड़ा सकता था, इसीलिए उसको स्ट्रांग भी करना था और ऊपर से इसको सामने वाला जो स्पेस है उसको भी ऑक्यूपाई करना था, क्योंकि पीछे मेरे को बहुत सारा जगह चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए बहुत सारा जगह मिल गया है। अभी यहाँ पे पानी का टंकी भी है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम सोलर एनर्जी के साथ साथ विंड एनर्जी के बारे में कुछ टेस्टिंग वगैरह करेंगे यहाँ पे विंड के रिगार्डिंग। तो इसको छोड़ के मैं यहाँ पे क्या किया, ये जो जंक्शन बॉक्स है, जंक्शन बॉक्स से दो पाइप गया है, आपको दिख रहा होगा, तो इसमें मैं ऐसे कनेक्शन किया हूँ ताकि हर तरह का जो सोलर इन्वर्टर है उसको मैं अच्छी तरह से रिव्यू कर पाऊँ और उसके हिसाब से मैं यहाँ पे कनेक्शन कर पाऊँ। तो इसको छोड़ के फिलहाल फ्लिन फ्यूजन कनेक्ट किया हुआ है। देखिए आप देख सकते हैं कि बहुत सारा MC प्रो कनेक्टर्स खुला हुआ है, क्योंकि 6 सीरीज में है और सामने 6 सीरीज में है, तो उसके रिगार्डिंग बहुत जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ। क्योंकि फ्लिन फ्यूजन का 3 kW और 5 kW इन्वर्टर जो है वो बैटरी लेस में भी काम करता है, और बहुत सारे कस्टमर्स का ये क्वेश्चन रहता है कि, या फिर बहुत सारे व्यूअर्स का ये क्वेश्चन रहता है कि बैटरी लेस में ऑफग्रिड ऑपरेशन कैसा होगा, और इसके रिगार्डिंग मैं बहुत जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आप बहुत देर से देख रहे हैं या फिर 1-2 हफ्ते देर से देख रहे हैं तो आई बटन में मैं लिंक डाल दिया हूँ, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं ये वीडियो। और इसके रिगार्डिंग और भी कुछ मैं नीचे भी किया हूँ, मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक ज़रूर कीजिए। और मेरा चैनल में बहुत सारा वीडियोज़ है सोलर के रिगार्डिंग, उस वीडियोज़ का जो डिस्क्रिप्शन है, हर एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं टोटल डिटेल्स देख रखता हूँ कि क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। हर एक व्यूअर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा वीडियोज़ देखने के साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी फॉलो कीजिए। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारा चीज़ें आपको मिल जाएगा, जैसे कि वो इन्वर्टर कहाँ मिलेगा, उसका प्राइस क्या होगा, उसका लिंक वगैरह, या फिर कौन सा इन्वर्टर के साथ क्या बैटरी जाएगा, बहुत सारा चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट करता रहता हूँ। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जरूर फॉलो करते रहिएगा, और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया मेरा लिंक से अगर आप कुछ परचेस वगैरह करते हैं तो कुछ कमीशन हमें मिलता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता है, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि आप लोगों को दोबारा हेल्प करने के लिए। तो हमें सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए मैं नीचे आके और भी कुछ आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या किया था। सो फ्रेंड्स, सिर्फ फ्लिन के इन्वर्टर नहीं, और फ्लिन छोड़ के आपका जो नॉर्मल इन्वर्टर होता है, जैसे कि UTL या फिर ल्यूमिनस का जो सोलर इन्वर्टर होता है, या फिर और भी दूसरे ब्रांड का जो सोलर इन्वर्टर होता है, इसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियोज बनाने वाला हूँ। और नॉर्मल इन्वर्टर को जो सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट करने के लिए जो चार्ज कंट्रोलर वगैरह होता है, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियोज बनाने वाला हूँ। यहाँ पे जो सोलर पैनल आप देख रहे हैं, ये तो है टोटो का सोलर पैनल, मतलब ई रिक्शा का सोलर पैनल। मैं इसको फिलहाल एक एम्बर रूट का जो चार्ज कंट्रोलर है, MPPT चार्ज कंट्रोलर, जिससे आप नॉर्मल इन्वर्टर को भी सोलर इन्वर्टर पे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग में मैं बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। सब्सक्राइब करके रखिए और बने रहिए चैनल के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो DC का MCB बॉक्स है, यहाँ पे हर तरह का MCB लगा के अकॉर्डिंग टू सोलर इन्वर्टर मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ये DC कनेक्शन ऊपर से आया है और नीचे अभी इन्वर्टर में कनेक्ट किया हुआ है। अभी फिलहाल फ्लिन फ्यूजन 6 स्ट्रिंग में चल रहा है, मतलब एक स्ट्रिंग में 6 पैनल, ऐसा 2 स्ट्रिंग पैरेलल करके यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। और यहाँ पे ये AC बॉक्स है, AC बॉक्स में मैं सब कुछ लगा के रखा हूँ। और यहाँ पे जो सेटअप किया हूँ, यहाँ पे बहुत सारे इन्वर्टर्स रिव्यू करने के लिए, फिलहाल इसमें बैटरी कनेक्ट किया हुआ है, प्री वायर्ड एंड प्री सोल्डर्ड DC 50 square mm। ये जो बैटरी केबल है ये फ्लिन की तरफ से आता है, ये बैटरी केबल, ये 50 square mm का प्री सोल्डर्ड केबल है। ये भी कैसा है मैं ये भी इसके बारे में आपको रिव्यू दिखाऊंगा। और बैटरी लेस इन्वर्टर ये जो है, ये बैटरी के साथ भी काम करता है और बैटरी के बिना भी काम करता है, तो वो कैसे काम करेगा, क्या होगा नहीं होगा, इसके बारे में बहुत जल्द वीडियो लाने वाला हूँ, मैं जो पहले बोल चुका हूँ। और इसको छोड़ के मैं दूसरा जो टेस्ट बेड बनाया हूँ यहाँ पे दूसरे तरह का इन्वर्टर रिव्यू करने के लिए, जो कि सिंगल बैटरी है बेसिकली, ये है एम्बर रूट का चार्ज कंट्रोलर, इसके रिगार्डिंग में मैं वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूँ। अगर आप देर से देख रहे तो यहाँ पे आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। इसमें नॉर्मल एक MCB लगाया हूँ, तो कि
जैसे कि रिव्यू करने के लिए बहुत सही होता है, ये मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को वादा किया था कि NXZ 1400 का रिव्यू मैं बहुत जल्द आने वाला था 2 महीने पहले, तो उसका रिव्यू मैं नहीं छोड़ा हूँ, तो इसका भी रिव्यू मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ। और इसको छोड़ के और भी SMU है जो कि लुमिनस का है या फिर UTL का, जो भी आएगा मैं इसके रिगार्डिंग रिव्यू यहाँ पे डालते जाऊँगा। ये 2 टेस्ट बेड का रिगार्डिंग मैं बहुत कुछ कर रहा था ताकि मैं हर एक तरह का इन्वर्टर मैं यहाँ पे रिव्यू कर पाऊँ। ये तो था छोटा मोटा बात, तो और भी कुछ है आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए फ्लिन इन्फिनी लाइट 5 kW जो अभी स्टॉक में है, अभी फ्लिन फ्यूजन MPPT जो इंस्टॉल किया हुआ है, ये इसका ये खाली है। और इसके नीचे है फ्लिन स्लिम MPPT अल्टीमेट 5 kW 48 वोल्ट, ये भी स्टॉक में है, इसके रिगार्डिंग भी रिव्यू आने वाला है। हालांकि इसमें ऑलरेडी मैं वेल्डिंग मशीन चला के एक वीडियो बना के दिखा चुका हूँ। और ये मेरा घर का इन्वर्टर है, अभी ये खुला हुआ है, ये PWM मॉडल है जो ऑलरेडी डिसकंटिन्यू हो चुका है। और इसको छोड़ के यहाँ पे है वाईफाई का जो कनेक्शन, जो कोई भी फ्लिन इन्वर्टर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, ये भी स्टॉक में है। ये MCB है और MCC भी यहाँ पे है। तो और भी बहुत सारा एक्सेसरीज के रिगार्डिंग और भी बहुत सारा वीडियोस मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, ये तो था कुछ अनाउंसमेंट्स। मैं बहुत दिन से वीडियो क्यों नहीं ला पाया और मैं क्या क्या लाने वाला हूँ, एक छोटा मोटा डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत सा व्यूअर्स हो, लगभग 80-81% व्यूअर्स हो जो आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। इसीलिए मैं ये दिखाया हूँ कि आप बहुत सारा चीज़ें देखने वाले हैं। और एक्सरसाइज के रिगार्डिंग मैं बहुत सारा वीडियोस लाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सा सोलर प्लांट इंस्टॉलर्स या फिर DIY मतलब खुद अपना सोलर प्लांट जो इंस्टॉल करना चाहता है, तो वो लोग एक्सरसाइज के रिगार्डिंग बहुत सारा कन्फ्यूज हो जाता है कि कौन सा एक्सरसाइज कहाँ पे यूज़ करना है। तो इसके रिगार्डिंग मैं बहुत सारा वीडियोस लाने वाला हूँ, ये सब तैयारी के रिगार्डिंग मेरा बहुत टाइम गया है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए और देखते रहिए सूर्यतपन सोलर, और आप जानते रहिए सोलर के रिगार्डिंग। और आप अपना जो सोलर प्लांट है वो सही तरह से इंस्टॉल कीजिए और सही तरह से आपका आउटपुट का लाभ उठाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि सोलर एनर्जी जो है वो सिर्फ बिजली का बिल बचाने के लिए नहीं होता, इसके साथ साथ आप गैस का भी बिल बचा सकते हो। जैसे कि आप इंडक्शन कुकर हो गया या फिर माइक्रोवेव ओवन हो गया, इससे अगर आप खाना पकाते हैं तो इसके रिगार्डिंग आप बहुत सारा सेविंग्स कर सकते हैं गैस में, गैस का बिल में। और इसको छोड़ के अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करते हैं, आप लोग जानते होंगे कि अभी बहुत सारा अच्छे तरह के गुड क्वालिटी का इलेक्ट्रिक व्हीकल आ चुका है, जैसा कि आपका रिवोल्ट का बाइक हो गया या फिर आपका एथर का बाइक हो गया, जो स्कूटी है बहुत अच्छा स्कूटी है क्वालिटी का, मैं ऑलरेडी उसको चला के देख चुका हूँ। या फिर अगर आप टाटा टियागो का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल निकला है, करीब 320 के आसपास नियर अबाउट रेंज दे रहा है, वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो सोलर एनर्जी में आप इलेक्ट्रिक बिल के साथ साथ गैस बिल और पेट्रोल या फिर डीजल का बिल आप बचा सकते हो, अगर आप उस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप फिलहाल उतना इन्वेस्ट कर नहीं सकते या फिर करने के लायक नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग मैं बहुत सारा वीडियोस लाने वाला हूँ कि ताकि आप पहले स्टार्टिंग में जो इन्वेस्ट करेंगे वो आपका फालतू ना जाए, मतलब मिनिमम इन्वेस्ट करके थोड़ा थोड़ा करके आप कैसे बढ़ा सकते हो सोलर प्लांट को, बाद में आपका जो डिमांड बढ़ता जाएगा उसके रिगार्डिंग कैसे आप बना सकते हो, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ। मेरे पास बहुत सारा टॉपिक जमा हो चुका है, बहुत सारा आप लोगों का भी रिकमेंडेशन आ चुका है। आप लोग भी कमेंट करते रहिए कि आपको क्या क्या चीज़ वीडियो में देखने से आपको अच्छा लगेगा या फिर आपको जानना है, आप नीचे कमेंट्स में बताते रहिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आप सब्सक्राइब किए भी है तो बेल का आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना, तो कि जब भी मैं वीडियो छोड़ता हूँ तब भी आपको पता चल जाएगा कि मैं वीडियो छोड़ा हूँ सोलर के रिगार्डिंग। बहुत सारा कस्टमर्स ऑलरेडी अभी तक जो क्वेश्चन करता रहता है कि बैटरी लेस इन्वर्टर जो ऑफग्रिड में है वो कैसे ऑपरेट करेगा, या फिर वो मैं लेना चाहता हूँ ताकि मैं बैटरी में एक साथ और इन्वर्टर में एक साथ दोनों एक साथ इन्वेस्ट नहीं कर पाता हूँ या फिर कर सकता हूँ, तो आप पहले बैटरी लेस इन्वर्टर इंस्टॉल कर सकते हैं, बाद में अगर आपको बैटरी चाहिए होता है तो बैटरी लगा सकते हैं, तो इस हिसाब से भी आप जा सकते हैं। तो ये जाना कैसा फ़ायदेमंद होगा, या फिर अगर आप बैटरी कभी नहीं भी लगाना चाहते तो वो भी कैसे फ़ायदेमंद रहेगा, ये भी मैं उसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और मैं सब कुछ दिखाने वाला हूँ कि अगर आप बैटरी नहीं लगाते तो उसका ऑपरेशन क्या होगा, ये भी एक वीडियो आने वाला है। और इसको छोड़ के अगर आप ये सारा, तो मैं छोटा मोटा बहुत सारा रिकअप दे चुका हूँ, तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलना एकदम। और लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट, अभी मेरा चैनल जो है 3200+ सब्सक्राइबर हो चुका है, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच कि आप लोग इतना सपोर्ट दिया, मेरे को लगा नहीं था कि आप लोग इतना सपोर्ट करेंगे, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हर एक सब्सक्राइबर के लिए।
तो आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए, हर एक वीडियो का नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वो आप फॉलो करते रहिए। ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हर एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ जानकारी जानने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको जो वो सामान है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा परचेस करने के लिए। और अगर आप डिस्क्रिप्शन से परचेस नहीं करना चाहते या फिर लिंक से परचेस करना नहीं चाहते हैं, तो अगर आप हमसे परचेस करते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा और शिपिंग चार्ज भी फ्री मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ एक्सेस भी हम फ्री देते हैं। तो अगर आप हमसे डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, आप वहां से आप हमें व्हाट्सएप के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप डायरेक्ट हमसे सामान खरीदना चाहते हैं। तो बने रहिए सूर्य तपन सोलर के साथ और आप देखते रहिए सोलर के वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।